नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 के वार्ड परिषद प्रत्याशी श्रीमती चमन सिंह नेपाली, जो न्याय प्रिय, शिक्षित, सुयोग्य, ईमानदार एवं कर्मठ महिला प्रत्याशी हैं, जो पिछले सत्र में लोगों की सेवा कर चुकी हैं, साथ में कोरोना काल में जन सेवा भी की है और जिनकी पहचान नाम से नहीं सामाजिक कार्यों से है। आइए जानते हैं विकास की कहानी इनकी जुबानी। तो सबसे पहले मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम चमन सिंह नेपाली के नाम से जानी जाती हूँ, इसी नाम से प्रचलित हूँ जी। आप चमन सिंह नेपाली समाज सेवी हैं। मैम आप किस वार्ड से इलेक्शन लड़ रही हैं? मैं रामनगर के 3 नंबर वार्ड नेपाली टोला से इलेक्शन लड़ रही हूँ। आप रामनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 से इलेक्शन लड़ रही हैं। मैम थकी हुई हैं, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है, मजबूरी है, हमको फेस कर रही हैं, इसके लिए आपका मैं आभारी भी हूं और शुक्रगुजार भी हूं, थैंक बोलता हूं। मैम आप शुरू से ही आप पब्लिक फिगर रही हैं, समाज सेवा आपका मेरे भाषा में कहें तो हॉबी है। अपने बारे में बताएं कि आपने समाज सेवा कब शुरू किया और कितना किया और क्या कुछ किया और क्या कुछ करना बाकी है जो आप करने का लक्ष्य रखी हैं। समाज सेवा की बात अगर आती है तो ये मेरे खून में है और मुझे, मैं क्या कहूँ, जब से मैंने दुनिया देखा, जब चलना सीखा, उस समय से, बचपन से ही। तो मैं ये कहूँ कि समाज सेवा और चमन सिंह एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, और वही मुझे अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही स्कूल पढ़ने जाया करती थी तो देखती थी कि कोई घास काट करके उठा रही है और उसे उठ नहीं पा रहा है, तो मैं किताब के बैग को रख कर उसकी उसको। बहुत बड़ी बात है, ये जज्बा जो होना चाहिए, ये मानवता का जज्बा है, ये इंसानियत और ह्यूमिनिटी का है कि उस उम्र में भी किसी मजबूर, किसी असहाय, किसी हेल्पलेस की मदद करना, जब बच्चों में जनरली एक हुल्लड़पन होता है और उस वक्त ये संजीदगी और ये सेवा भावना है, तो मैं इस सेवा भावना को और इस सोच को सलाम करता हूँ जी। और आगे आप बताएं। बचपन में खेलने जाया करती थी मैं, शाम को स्कूल से आके फ्रेश होके, जब खेलने का शौक़ मुझे बहुत था, गाने का, डांस करने का, ये सब मुझे बहुत शौक़ था, फूलों का शौक़ बहुत रहा। और बचपन में जब मैं खेलने जाया करती थी तो फकीर भिखमंगे जो होते हैं गैलरी के नीचे उचे, कभी देखती थी कि उसे बुखार लगी है, वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, उसके पास लकड़ी नहीं है, पानी नहीं है, तो उसकी टूटी हुई बाल्टी में भी मैं जा कर के जितना मुझसे हो सकता था पानी भर के लाना, उसे गर्म कर देना, और वो हम लोग के टाइम में वो चकोड़ होता है ना, उसको भी तोड़ ताड़ के ला करके उसकी आग जलाती थी और उसका खाना बना देती थी। जज्बे को मैं सलाम करता हूँ जी। और इधर बाद में जब आप पॉलिटिकल फिगर बनी और समाज सेवा में आपका एक नाम है जो दुनिया जानती है, रामनगर के सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में बताएं, आप कई बार इलेक्शन जीती हैं, कई बार हारी हैं, और कोई खास काम जो आपने किया है और कोई ऐसा लक्ष्य जो आप करना चाह रही हैं, और जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद और उनका रिक्वेस्ट और विनती आई है कि इस मतलब आप इलेक्शन लड़ें और हमारे लिए इन कामों को पूरा करें। ऐसा है कि सेवा तो मेरा भाव है, ये मेरे अंदर है, सेवा मेरा धर्म है, सेवा ही धर्म है, और मैं यही मानती हूँ, और सेवा से बड़ी दूसरी कोई पूजा नहीं है, मानवता से बड़ा धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू से मैं सेवा करती हूँ, सेवा मतलब जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, वो सच्चे हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनके लिए पक्ष में अगर कोई खड़ा नहीं होता है और वो सच्चे हैं तो उनके लिए मैं खड़ी होती हूँ, चाहे मुझे जो करना पड़े। मैम ये आपका पर्सनल लाइफ हुआ कि आप पर्सनली, आप व्यक्तिगत किसी की मदद करती हैं? एज ए पब्लिक फिगर जब यहाँ पे उस वक्त नगर पंचायत हुआ करता था, आपने क्या क्या काम किया है? सच पूछूं तो विकास मेरे ही तरफ, मैं जब भी मैं आई उससे पहले न कभी हुआ था उस वार्ड में और न मेरे हटने के बाद हुआ। यानी विकास का दूसरा नाम चमन सिंह नेपाली, बहुत अच्छी बात है। आप और क्या क्या आपने किया?
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर वहाँ की पब्लिक से भी पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि चमन सिंह ही आई तो विकास शुरू हुआ, और चमन सिंह नहीं रही तो जो जहाँ जितना था उतना ही रह गया। इस बार उनके ही रिक्वेस्ट पर मैं किसी पद पर नहीं लड़ी, और उनके ही कहने पर मैं फिर वार्ड पार्षद के रूप में ही वहाँ लड़ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितना काम रह गया उसको मैं पूरा करूँ, और कोई काम बाकी ही नहीं रहे उस वार्ड में मैं इतना काम कर दूं कि फिर वहाँ कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं रहे। यानी विकास आपसे शुरू होता है और आपका लक्ष्य है कि विकास मेरे ही पे आके ख़त्म हो, मेरे अपने वार्ड का। आपके अपने वार्ड वासियों से इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि उन्होंने आपको नहीं जाने दिया सभापति या उपसभापति के उम्मीदवार के लिए, या आप खुद नहीं गई? नहीं, उन्होंने कहा कि हमें मत छोड़िए। बहुत अच्छी बात है कि जनता ने कहा कि आप हमारे वार्ड पार्षद बने, न कि हमारा सभापति बने, क्योंकि आपका जो भी प्यार है डायरेक्ट हमको मिले। जी, अभी क्या जैसे रामनगर में नालियाँ, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ये सब की समस्याएं हैं, तो इसमें आप का लक्ष्य क्या है? मैं चाहती हूँ कि रामनगर इतना सुंदर, इतना स्वच्छ और इतना विकसित हो कि इस रामनगर को अवार्ड मिल ले। यानी आप मोदी जी का वो स्लोगन कि ग्रीन भारत क्लीन भारत, तो आप रामनगर को भी क्लीन रामनगर, ग्रीन रामनगर बनाना चाहेंगी? बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो हमसे भाग्यशाली कोई और नहीं। मैं यही चाहती हूँ, मोदी जी का जो लक्ष्य है वो हमारा भी लक्ष्य है, और हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने जैसे कहा है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, और इस पद पर मैं अग्रसर हूँ और रहूँगी। बहुत अच्छी बात है। यानी कॉम्युनल डिसहारमोनी नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। बस यही मेरे भारत का नारा है और यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे बात करने का। मैं आशा करता हूं कि जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा आपके साथ हो, और के साथ वे भी इंडिया न्यूज़ रामनगर।